सर यहाँ पर यूनिक शो है हमारे लिए क्योंकि कोर्टरूम कॉमेडी ये पहली बार अमेज़ॉन नई टीवी लेकर आ रहा है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि इन सारे अमेजिंग कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। और इस शो की खासियत यही है कि जो सेलिब्रिटीज़ लोगों को बहुत पसंद है, लोग सराहते हैं, उन्हें स्टार्स सुपरस्टार्स बनाते हैं, उन पर अतरंगी इल्ज़ाम लगाने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। एंड इल्ज़ाम लगाने वाले भी इतने टैलेंटेड हैं, पारितोष हो, सिद्धार्थ हो, यू नो, सो इट इज़ सुगंधा जी हैं, संकेत है, सिद्धार्थ है, तो यू नो इट इज़ अमेजिंग टू हैव सच अमेजिंग टैलेंट। एंड ऑफकोर्स मतलब मेरे दोस्त काबिल वकील तो है ये वरुण जी, एंड कुशा है, कविन है, तो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। और अतरंगी इल्ज़ाम इस तरह तरह के लगाए हैं और ये मतलब ये ऐसी गाय हैं जो खुद का खेत छोड़ के पड़ोसी के खेत में घुस जाती हैं, तो दे आर सुपर वंडरफुल एंड अमेजिंगली टैलेंटेड, सो इट इज़ वंडरफुल। केस तो बनता है कि पूरी टीम के ऊपर मैं ये इल्ज़ाम लगाना चाहूँगा या ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा वक्त ना लगाएं सीजन 2 बनाने में। बहुत मज़ा आया। एक तो ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुझे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। मैं सोशल मीडिया पर देखती थी कि लोग जवाब देते हैं, नाउ बीइंग हियर आसान काम नहीं है, डर लगता है इतने लोग खड़े हुए हैं। पर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये जज का काम बहुत ही अतरंगा काम है, बहुत ही अतरंगी शो है। यहाँ पे अतरंगी इल्ज़ाम है, अतरंगी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे लॉयर्स, हमारे विटनेसेस, हमारी राइटिंग टीम, डायरेक्शन टीम, बानी जे खुद, अमेज़ॉन मिनी टीवी, सब बहुत अतरंगी लोग हैं। एंड उसी अतरंगी फ्लेवर में हमने ये शो बनाया है। एंड एज अ जज, ये वो जज है जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, पर ये फिर इसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, हमारी जज भी इन्फ्लुएंसर है। आप इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अगर अगर जैसे कोई सेलिब्रिटी आए और अगर वो मेरी फैमिली के साथ पिक्चर खिंचवा ले तो मैं उनकी सज़ा कम कर देती हूँ और उनको बाइज्जत भरी कर देती हूँ। तो थोड़े से अपने फेवर्स निकालने की उसमें चाह में रहती है ये वाली। पारितोष, आप दोनों से जानना चाहूँगा, बहुत टाइम के बाद आप दोनों एक साथ एक शो में दिखाई देने वाले हैं, कितने एक्साइटेड है, अगर कुछ शेयर करना चाहे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आप दोनों? हम लोगों ने पहले शो करा है साथ में और यहाँ पे सुगंधा, परितोष, हम लोग जब भी साथ में होते हैं तो हमारी टाइमिंग बड़ी अच्छी, कुदरती अच्छी निकलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने टाइम बाद एक शो कर रहे हैं, जो हम साथ में कर रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात ये लगी कि रितेश सर, वरुण भाई, उषा और इन लोग के साथ काम करके भी, केविन भाई, सबके साथ काम करके बहुत मुझे मज़ा आया। मुझे लगता है कि बहुत सपोर्ट हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मजाक सबके साथ करने की, और धीरे धीरे सपोर्ट के साथ वो बड़े भी मजाक हुए। तो मुझे लगता है इट्स ऑल टीम वर्क, सब पूरी टीम का साथ ऐसा था कि सुंदर एक मिश्रण बनता है। ये सही कह रहे हैं, नहीं मज़ेदार है, मतलब हम लोग साथ में, हम सुगंधा और सागर, हम लोग साथ में बहुत सारे शोज किए हैं कॉमेडी के, पर इसमें अलग अलग हैं, तो इसमें टीम थी लेकिन सबको अलग अलग मैच खेला, तो सबको छः छः बोले अलग अलग मिली थी, तो ये है। और बाकी सपोर्ट बहुत था। ये जो इनटॉलरेंस की बात होती है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंस वाला है, लोगों ने कितने जोक्स अपने पे लिए हैं, बहुत बहुत सपोर्ट।
सबसे सबसे कमाल की बात ये इन दोनों की इतनी सादगी से बात करते हुए पहली बार ही देख रहा हूँ। हाँ मतलब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर, जब शो देखेंगे आप तो मतलब मुझे लगता है कि सारे केसेस तो इनपे बनेंगे। इनको हाय बोलते हैं सामने से चार बेइज्जती आ जाती है। लाइफ बॉडीगार्ड भी मिला हुआ था। पर्सनल लाइफ बॉडीगार्ड हस्बैंड हाँ यस यस संकेत जी। तो हम लोग बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये शो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया बिकॉज मतलब हम लोग हाफ शो में आए और हम स्टार्ट से आना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे लगा कि अभी शुरू हुआ और अभी ख़त्म हो गया। इतनी अच्छी टीम और सबको तो मैंने तेज सर के रील्स कॉमेडी और सोशल मीडिया पे तो मतलब अलग से आपके सारे कॉमेडी रील्स स्पेशली फॉलो हम दोनों करते हैं आपके और जमीला मैम के, तो साथ में काम किया और वरुण मतलब एवरीबडी इवन कुशा मतलब हम फर्स्ट टाइम आपके साथ काम किया और सिद्धार्थ पारितोष और कविन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है और बॉडीगार्ड साथ में थे तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो हर चीज़ का ध्यान देखे चाय टाइम पे मिल रही है कि नहीं, उसके लिए काम ज़्यादा बढ़ गया था खाना टाइम पे खा रही हूँ कि नहीं, तो बहुत मज़ा आया। इवन जो टीम है पूरी की पूरी साजिद सर और पूरी क्रिएटिव टीम इतनी मतलब फ्लेक्सिबल एकदम ओपन कि जो आपको करना है करो, फैलना है फैलो, रोना है धोना है गिरना है नहाना है सब अलाउड है यहाँ पे।